सो हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज तो है वेंसडे वैसे, और मैंने फिर से सुबह को सोचा था कि जिम जाऊंगा, लेकिन मैं फिर सुबह नहीं उठ पाया। मुझे आके बगल रूम से शंकर ने उठाया 7 बजे। तो फिर मैं सोचा कि जाता हूँ जिम। फिर मैं लेटर आया, मुझे नींद ही आ रही थी, और फिर धीरे धीरे 8 बज गए। सो हो जाती है ऐसी गलतियाँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शाम को जाऊँगा। मतलब हमारे ब्लॉक बी में क्या होता है कि वहाँ पे भी एक जिम, एक सेंट्रल जिम होती है जहाँ पे सब लोग आते हैं, वो मेन जिम है। फिर एक हर ब्लॉक में भी होता है, तो हमारे ब्लॉक बी है जो, वहाँ पे भी एक जिम है, तो यहीं पास में, तो मैं वहाँ चले जाऊँगा। शाम को 5 बजे खुलती है। सो मैं लेकिन जिम तो ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि ऐसे फिर रोज़ छोड़ूंगा तो फिर आदत बन जाएगी छोड़ने की, और डैट्स रॉन्ग, ये गलत होता है, फिर इनडिसिप्लिन हो जाओगे आप। तो चलो, सोचा है जिम करने की, तो जाते हैं शाम को, अब शाम को 5 बजे के बाद। चलो बाय बाय, अभी तो ब्रेकफास्ट कर चलते हैं। चलो तो दोस्तों, आज तो छोले कुलचे बने हैं पहली बार, इसलिए मैंने सिर्फ छोले कुलचे लिया, ब्रेड वगैरह कुछ लिया ही नहीं, और बटर भी नहीं लिया, केले ले लिया उसके जगह, बाकी चना ओट्स तो है ही, दूध है, तो खाते हैं। चलो, छोले कुलचे पहली बार बनी है, धीरे धीरे लोग भी। सो फाइनली यार, अब दोपहर हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुका हूँ फ्रेश होकर, और मैं अपने कमरे में ही था ब्रेकफास्ट करने के बाद। मैं लैपटॉप पे अपने कुछ काम कर रहा था, कुछ चीज़ें सीख रहा था, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है, तो मैं सोचता हूँ कि अभी एकेडमिक्स से हट के जो चीज़ें सीख सकता हूँ, जितनी सीख लूँ, क्या पता आगे काम आए ज़िंदगी में। अभी तो बहुत कुछ सीखना है। सो अभी तो फिलहाल लंच करने जाते हैं, क्योंकि 2 बजने वाला, 15 मिनट बाकी है, नहीं तो फिर मैस बंद हो जाएगी। तो जल्दी से करके आते हैं, फिर कमरे में जाते हैं। तो यार, आज पाइनएप्पल स्लाइस मिला हमें, और कढ़ी पकौड़ा बना था, और आलू जीरा एक नई चीज़ मेन्यू में ऐड हुई है। सो मेन्यू क्योंकि चेंज हुआ है, तो एक आलू जीरा नया ऐड हुआ है, तो बाकी वही है, दाल वगैरह है, तो डीजल खा लेते। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं शाम को जाऊँगा जिम, मैं सुबह को अगर भूल गया था, लेकिन मैं शाम को जाऊँगा। सो अब मैं जा रहा हूँ, देखो मैं ट्रैक पैंट पहन कर अपने, और मैं चला जिम, बी ब्लॉक में जिम है हमारा, सो वहाँ पर करेंगे प्रैक्टिस। सो ये रही यार बी ब्लॉक, मैं बी ब्लॉक में आ गया। ओह, जिम देख रहे हो, वहाँ होती है, वहाँ जिमनेशियम लिखा भी हुआ होगा, वहाँ देखो जिमनेशियम लिखा हुआ है, वहाँ साइबर कैफ़े भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर्स वगैरह, तो यहाँ पे जिम भी है। चलते हैं ऊपर। चलो ऊपर आ गए हैं, चलते हैं जिम में। ये क्या, जिम तो बंद है। अरे यार, मैं जल्दी आ गया, इवनिंग में 6 to 8 है, और टाइमिंग और मॉर्निंग में 6 to 8 है। 5 बजे होता था पहले, तो कोई नहीं, चलो 6 बजे थोड़ी देर में आते हैं, तो जल्दी आ गया मैं। चलो, तो यार यहाँ बैठने की जगह है, सो हम यहीं पे बैठ जाते हैं, जब खुलेगी तो चलेंगे ऊपर। सो चलो यार, खुल गई जिम, सो हम चलते हैं जल्दी से ऊपर। सो यार, ये आ गए हम जिम। मैंने अभी 20-30 मिनट प्रैक्टिस भी कर ली है, इससे सांस भी खुल रही है मेरी थोड़ी। सो अभी प्रैक्टिस चल रही है, अभी बच्चे कम हैं, इसलिए अभी तो एक ही है और मैं ही हूँ। चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो यार, प्रैक्टिस हो गई मेरी, लगभग 1 घंटे हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और मैंने लगभग सारी इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह थे, सब पे थोड़ा बहुत कर लिया है। सो अब चलते हैं पहला दिन तक, अब कल आते हैं फिर। सो फाइनली यार, अब ए ब्लॉक में तो आ चुके हैं, थोड़ा बॉडी ने स्वेटिंग भी की है, सो अब वो ड्राई हो चुके हैं, सूख चुका है पूरा, तो ऐसे में नहाना बेस्ट ऑप्शन है। सो थोड़ा फ्रेश अप हो जाते हैं, उसके बाद डिनर करने चलते हैं। सो यार, अब मैं नहा चुका हूँ, और अब मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ। होप सो आज कुछ अच्छा बनाऊँ मैं इसमें, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है काफ़ी, और मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा बनाऊँ सच्ची। या अभी शोर जो आ रहा है, वो एक्चुअली गणेश जी की लगती है कि कुछ भजन वगैरह चल रहा है गंगा भवन में, सीनियर्स का जो है, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो दोस्तों, सो यहाँ देखो गंगा भवन है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया गणेश जी का, सो यहाँ पे भजन वगैरह चल रहा है, तभी आवाज़ें आ रही थी, तो सब बैठे हैं।
सही है, अच्छी बात है। चलो चलो अब तो हम डिनर के लिए चलते हैं। कितना खाली खाली है, पहले यहाँ पे कोई ना कोई बैडमिंटन खेलते रहता था, अब तो पूरा ही खाली है। कोई नहीं, कुछ दिन में सब लोग आ ही जाएंगे, तभी तक हम चलते हैं अभी। सो आज पनीर बटर मसाला बना है एंड आइसक्रीम भी है। मैंने चावल भी आज लिया है क्योंकि आज मैं जिम गया था तो वहाँ पे एक लड़के ने कहा सेकेंड ईयर का कि चावल खाओ वेट गेन करने के लिए, तो चावल खाते हैं। कैसा है भाई खाना? बढ़िया है, अभी सही है, अभी सही है। अच्छा सो यार अभी देखो मैं साइकिल पे हूँ एक्चुअली। सुबह से तो कहीं निकला नहीं था, लेकिन फिर अचानक से समीर आ गया और उसे पता चला कि कस्तूरबा भवन में ना स्पेशल डिनर है आज, और बॉयज़ भी अलाउड है। बॉयज़ भी अगर स्लिप कटवा ले तो उन्हें भी मिल जा रही है। तो हमने सोचा कि यार गर्ल्स हॉस्टल में तो बॉयज़ हॉस्टल से ज़्यादा अच्छा खाना बनता ही है, और हमने फ़ोटो भी देखा, फिर फोटो भी में भी स्पेशल डिनर बहुत अच्छा था। तो फिर हम बोले कि चलो हम भी साइकिल लेके चलते हैं। सुबह भवन 10 बजे तक का टाइम है, जल्दी से निकल जाते हैं, जाते देखते स्पेशल डिनर कैसा है। सो गाइस हम फाइनली कस्तूरबा भवन आ गए स्पेशल डिनर के लिए। यार ड्राइंग्स बड़े अच्छे होते हैं यार यहाँ पर, लेकिन सच में चलो आगे चलते हैं क्या होता है। सो गाइस ये देखो, ये रहा कस्तूरबा भवन का मेस, ये गर्ल्स हॉस्टल का मेस काफ़ी बड़ा है यार, और काफ़ी अच्छा भी है। गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी अच्छा है बॉयज़ हॉस्टल से। पानी पूरी हम खाने वाले हैं, देखते हैं। सो यार ये देखो पानी पूरी आ गई है। सो बाकी सब भी था लेकिन 9:30 बजे तक हम लेट हो गए थोड़ा सा, तो इसलिए से पानी पूरी बची, तो हमें पानी पूरी। बाकी ये देखो एक तो क्लिप दे दे भाई, तो समीर कैसा लग रहा है खुद? बढ़िया है, बढ़िया है, चलो अच्छा है। तो दोस्तों कस्तूरबा भवन में हमने स्पेशल डिनर तो कर लिया, अब हम सैक आ गए। ये क्या कर रहे हैं? अब हम सैक आ गए, थोड़ा सैक में खेलेंगे टेबल टेनिस वगैरह, बैडमिंटन भी। चलो तो दोस्तों ये देखो, ये ई सेल का रूम है। ई सेल यानी एंटरप्रेन्योरशिप का सेल है ये। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का क्लब होता है उसका रूम है। बैठ के जो लोग अपना काम करो, इसमें क्या होता है टॉप कोडर्स लो जो भी रहता है ना। हाँ अच्छा, ये देखो कुछ लोग बैठ के कर भी रहे हैं। सही है भाई, करने दो, सही है। सो यार हम सैक आए ना, तो वहाँ पे SDS लैब्स थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट और क्या क्या होता है, CPP वगैरह ये सब का, हाँ डेटा साइंस का वो मतलब एक क्लब है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, मतलब जो ग्रुप्स में वो उस क्लब्स में मेंबर्स हैं। तो हमने जाके पूछा, थोड़ी हिम्मत बनाई और जाके हमने पूछा कि किस तरह का मतलब लैब है ये और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सुनने ने बहुत अच्छे से बताया, समीर को बहुत इंटरेस्ट है कोडिंग में। उसने बस बता दिया कि जाओ इंट्रोडक्शन वाला क्लास देख लेना, सब समझ आ जाएगा। हाँ क्योंकि मतलब यहाँ IIT में होंगे ना, तो सब चीज़ का एक टाइम रहता है, तो इंट्रो टॉक भी कराया जाएगा जिसमें कि हमें क्लब्स वगैरह के बारे में बताए जाएंगे और उन्हें ज्वाइन करने की क्या क्या प्रोसीजर होगी, क्या क्या तुम्हें आना चाहिए। सो क्लब्स इतने आसानी से ज्वाइन नहीं होते, मतलब तुम्हें कुछ आना चाहिए, कोडिंग भी अच्छी आनी चाहिए तभी वो क्लब्स में, क्योंकि 3,000 बच्चे होंगे तो सबको थोड़ी दे सकते हैं। 1,000 बच्चे, 2,000 बच्चे, कुछ जो सिलेक्टेड होते हैं जिन्हें आता है वो चीज़ें, सो वही सेलेक्ट होते हैं। सो चलो अभी तो घूमते हैं थोड़ा सैक। तो दोस्तों मैंने तो सोचा था कि यहाँ हिंदी क्लब सिर्फ है, लेकिन यहाँ तो संस्कृत क्लब भी है, लेकिन अभी लॉक है, अभी लॉकड है। चीज़ें देख लो कितने अच्छे ताला है, ताला देख भाई कितना सही है, अब करिए। सो गाइस ये देखो रोबोट्स एवरीवेयर, ये रोबोटिक्स क्लब का है, मतलब टेक्निकल क्लब्स का ये रिलेटेड है। सो यहाँ पे देखो मशीन्स वगैरह इतनी रखी हुई हैं, यहीं के वो रोबोट्स बनाते हैं जो दुनिया को ख़त्म कर देगा। अरे भाई ऐसा मत बोल, अच्छी चीज़ें भी बनती हैं। ये कौन सी मशीन है? क्लीनर लग रहा है इससे अच्छा तो मैंने 9th क्लास में बनाया था एक बार साइंस एग्जीबिशन में, अच्छी लगेंगी। काफ़ी मशीन्स वगैरह हैं मतलब यहाँ पे रखी हुई हैं, सो मतलब आप कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। ये वो कूलर बनाया गया कितना सही, ये कूलर मतलब यहाँ पे हर मशीन्स को एक बार खोल के रखा हुआ है ताकि उसमें कुछ अरेंजमेंट करके कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट बना दे। सही है, और काफ़ी बड़ा भी है, पंखा कितना बड़ा है। ये देखो ये देखो सिग्मा बॉल, एग्जैक्टली पिक एंड प्लेस करता है। ये क्या
तो समीर यहाँ पे स्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसका बचपन का सपना था कि स्केटिंग करे। कोशिश करो। अरे 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 ये तो डांस कर रहा है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है समीर। स्वामी यार सैक से तो निकल गया, तुम साइकिल राइड करते करते यहाँ पे देखा कि देखो कितनी अच्छी सी लाइट्स वगैरह यहाँ लगाई हुई हैं। ये CSIR है ना, CSIR कोई रिसर्च का कोई सेंटर है, IIT कैंपस में ही है। सो इसे देखो कितने अच्छे से सजाया हुआ है, अच्छी बात है। मैंने गा नाम है कोई। अगर हम अनजान गलियों से जाएं तो ऐसी चीजें गाने में मजा तो आता है। गुमनाम है कोई, ये काफी अच्छी मूवी थी, मैंने देखी है ये मूवी। अरे अबे ऐसे मत चिल्ला भाई, कोई निकल गया तो मारेगा मैं बेकार में। अरे नहीं, तो इतने डरिए कि साइकिल से गिरने वाला था, इतना खौफ। किस चीज का खौफ है तुम्हें? अरे भाई हाथ दिख जाता है कहीं पे। तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? हाथ तो तुम्हारे पास भी है। हाथ कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो दिख जाए तो डर जाना चाहिए। ये हम कहाँ जा रहे हैं? कैसा रास्ता? कुत्तों ने हमें दोस्तों दौड़ा दिया था। तो तुझे छोड़ दिया था, फिर मुझे पकड़ लिया था। मैं तो जल्दी जल्दी साइकिल इतने तेजी से चला के भागा, फिर मैं रुका ही नहीं, मैं बहुत आगे तक निकल गया। और ये पीछे रुक गया, फिर इसका कॉल आता बोलते मेरी साइकिल की चैन उतर गई। तो कुत्ते ने जो छोड़ दिया सच में? अरे सही में छोड़ दिया भाई। तो वो तुझे छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए थे ना, पता नहीं। और मैंने कुछ किया भी नहीं था, भोका था सबसे पहले इसी के ऊपर। मैं देखा कि वो तो दौड़ाने लगे तो मैं भागा साइकिल, फिर मेरे ही पीछे पड़ गए दोनों। एक वक्त की ना मेरे को आगे भाग गया था, मैं ही पीछे छूट गया। ये पीछे छूट गया, इसका साइकिल की चैन ही उतर गया। फिर मेरे को कॉल करके बोलता है कि साइकिल चैन उतर गई। सो यार देखो अंकल ने यार हमारा साइकिल ठीक कर दिया। सो अंकल बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद कर दी। थैंक यू अंकल। सो गाइस अंकल बहुत अच्छे थे, सिक्योरिटी गार्ड अंकल जो थे काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने मतलब बिना कहे, हमने कहा नहीं था कि आप करो, हम वहाँ पे साइकिल बस ठीक कर रहे थे। तो हमसे नहीं हुआ तो वो खुद सामने से आए और उन्होंने कहा कि लाओ मैं कर देता हूँ ठीक, और उन्होंने सामने ठीक कर दिया। सो काफ़ी हेल्पफुल थे। चलो अच्छा है, अब चलते हैं रूम, बहुत देर हो चुकी है अब तो। चलिए गाइज अब हम आ चुके हैं अपने हॉस्टल रूम पे, और होप्स आपको आज का मेरा डे अच्छा लगा हो, मेरा जिस तरह से दिन गुजरा काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई। वैसे इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था आज, क्योंकि आज मैं पूरे दिन कमरे में ही था। मैंने सोचा कि आज कमरे में ही तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी एट द एंड दिन अच्छा ही चला जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो चलो इसी तरह से आज का ब्लॉग अब खत्म करते हैं। चलो बाय बाय।